पूरा कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ यौम सियाह, पाकिस्तान का भी मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती, शहर शहर रैलियां और मुजाहरे। किरदार अदा करे सदर और वजीर आजम के यौम सियाह पर पैगाम, अपना किरदार अदा करे शाह महमूद कुरैशी। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन का 84वां रोज, वादी के बाजार गली कूचे वीरान, गजाई बहरान मजीद संगीन, भारतीय बर्बरियत पर आलमी बरादरी की मुसलसल बेहिसी, बड़ा अलमिया, कर्फ्यू के बावजूद जगह जगह एहतजाज। ऑपोजिशन के आजादी मार्च का आज कराची से आगाज, शुरका इस्लामाबाद के रेड जोन में नहीं जाएंगे, पिशावर मोड पर जलसा करने का मुआहिदा, फजलुर रहमान का रास्ते में जगह जगह खिताब का प्रोग्राम, कंटेनर पर हर सहूलत मौजूद। आजादी मार्च के शुरका के रास्ते साफ, खाने की तरसील में कोई रुकावट नहीं होगी, अंदरूनी सिक्योरिटी JUI की जिम्मेदारी, मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी, तफसील दुनिया न्यूज पर। आजादी मार्च के पेश नजर हाई अलर्ट, इस्लामाबाद का रेड जोन सील करने के लिए इकदामात, डी चौक के अतराफ कंटेनर्स के दो हिसार कायम, दीगर शहरों में भी पकड़ धकड़ की तलाश। अलजीजिया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की उबूरी जमानत मंजूर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नया बेंच मंगल के रोज दोबारा मुकदमा सुनेगा, वजीर आला पंजाब 29 अक्टूबर को तलब। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव जारी, लेवल फिर 30,000 पर आ गया, मेडिकल बोर्ड को तश्वीश, जमानत के बाद साबिक वजीर आजम को शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स या इत्तेफाक अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। वजीर आजम सवाब दीदी इख्तियारात इस्तेमाल करें, नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने दें, चौधरी शुजात की तजवीज, अदलिया को सियासी मामलात में उलझाने से खतरनाक नतायज निकल सकते हैं, रहनुमा काफली। सियासी रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हर जुल्म का मुकाबला करने को तैयार हैं, पूरा मुल्क कह रहा है इमरान खान को घर जाना होगा, बिलावल भुट्टो। पिशावर में बेहंगम ट्रैफिक और तजावुजात से मसाइल ही मसाइल, कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर, इंतजामिया भी ताकत पर कब्जा माफिया के सामने बेबस, रोज के आजाब से कौन निजात दिलाएगा, शहरियों की दुहाई। हर एक दुकानदार ने अपनी दुकान से कम से कम 5-5 फुट बाहर सामान रखे हुए हैं, तो इस कदर ये हल नहीं है, जब कमेटी वाले आते हैं तो जो उस टाइम सब कुछ सामान हटा दें। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इंसुलिन की फराहमी खाब बन गई, मरीज बाजारों से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर, महकमा सेहत के दफातर से चोरी की गई 2000 से ज्यादा वैक्सीन का सुराग नहीं लगाया जा सका। फिर आया हूँ, अगर मिलती है तो ठीक है, वरना भाई वापस चले जाएंगे, अब मरीजों को क्या करें, अब ऐसे मरीज मरेंगे। उसी के दोनों जानिब कश्मीरी इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लाल चौक की जानिब मार्च का ऐलान किया है, पाकिस्तान भर में रैलियां और मुजाहरे किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम सियाह कश्मीर के मौके पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और पूरी दुनिया में कश्मीरियों के हुकूक की बात करता है, कश्मीरियों का मुकदमा पाकिस्तान का मुकदमा है, हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा उठाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर आलमी बरादरी से कश्मीर में भारतीय मजालिम खत्म कराने का मुतालबा किया है और के खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत की रियासत दहशतगर्दी आज पहले से कहीं ज्यादा सफाकाना रुख इख्तियार कर गई है, नाम निहाद बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार। खास हो रहा है, मुख्तलिफ शहरों में JUFA के रहनुमाओं की क्यादत में कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं आजादी मार्च में शिरकत के लिए, और इसके अलावा कश्मीर के हवाले से रैली भी निकाली जा रही है। कहाँ क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से, कराची से हमें अपडेट करेंगे शाहमीर खान, पिशावर से इमरान बुखारी, जबकि कोयटा से फरीदुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं कराची, शाहमीर खान जहां पर मौजूद हैं। शाहमीर खान, आप कहिएगा, बताए
बताया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो कराची में ही खिताब करेंगे और यहां से इसका बाकायदा आगाज होगा। तो किस मकाम पर वो खिताब करेंगे और कितने बजे खिताब उनका शेड्यूल है? आज जी बिल्कुल, आज़ादी मार्च जो कि कराची से इस्लामाबाद तक जारी रहेगी, इसका आगाज़ अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पे होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं मौलाना फजल रहमान, इनके बारे में बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पे आएंगे और ख़िताब करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सोराब गोट पे, जहाँ पे जो है कैंप लगाया गया है जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से, जहाँ पे जो है इनके कारकुनान अब बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए। सुबह से इनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। बोला ही जा रहा है कि यहाँ पे जो दीगर इनके रहनुमा मौजूद हैं उनका यही कहना है कि बाकायदा एक काफ़िला बनेगा, एक रैली बनेगी, लोगों का जो है एक सैलाब होगा जो कि यहाँ से गामजन होगा, रैली की सूरत में आगे जाएगा और सक्कर पे पहुँचेगा, जहाँ पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो इनको ज्वाइन करेंगे, उनके साथ फिर ये रैली आगे की जानब बढ़ेगी। तो हम देख रहे हैं कि कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, रेंजर्स और पुलिस के अहलकार तैनात दिखाई दे रहे हैं, जो ज़िला SSP हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वक्फे वक्फे से जो यहाँ पे क़यादत मौजूद है उनसे भी जो है वो तमाम तो सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है, उनसे भी तबादला ख्याल किया जा रहा है, जबकि जो जमीयत उलमा इस्लाम फेक है जो अपने कारकुनान हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी है जुलूस के अंदर की, इस रैली के अंदर की, वो भी हम उनको देख रहे हैं कि खसूसी वर्दी में यहाँ पर मौजूद हैं, इंतजाम संभाले हुए। पीपल्स पार्टी की जानब से भी इस्तकबालिया कैंप सोराब गोट पर लगाया गया है, जहाँ पर बताया जा रहा है पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी आएंगे और जो रैली है, जो आज़ादी मार्च है, इसकी हिमायत का ऐलान भी करेंगे, उसके साथ जो है वो शरीक भी होंगे। तो तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं, भरपूर तैयारियां हैं, ठीक है, भरपूर तैयारियां हैं। मौलाना फजल रहमान को यहां पर खिताब करना है। हमारे साथ ही रेखा शाह में रुक करेंगे, पिशावर का इमरान बुखारी वहां पर मौजूद हैं। इमरान, कराची से आगाज हो रहा है जहां पर मौलाना फजल रहमान को खिताब करना है, पिशावर में इस वक्त क्या एक्टिविटी है, यहाँ पर रहनुमा और कारकुनान किस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं? जी, पिशावर में इस वक्त हम सूबाई सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद हैं, GUIF के, यहीं पर से 2 बजे करीब एक रैली का इनेकाद किया जाएगा जिसे योम यकजहती कश्मीर रैली का नाम दिया गया है। रैली में मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियां, साइकिलें और बाज़ जो इत्तलात हैं जो यहां पर मौजूद कारकुन थे उनका ये कहना था कि घुड़सवार भी शरीक होंगे। रैली यहाँ सूबाई दफ्तर से निकाली जाएगी जो जी रोड से होते हुए वापस इसी दफ्तर आके अख्ताम पदीर होगी, जिसमें दीगर जो सियासी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें हैं, उनके कारकुन भी शरीक होंगे। इस वक्त यहाँ पे कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है, ताहम जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक एक बताया गया है कि तमाम कारकुनों को हदायत की गई है कि वो अपने अपने PK के अमीर की क़यादत में मुतल्लिका मुकाम पर जमा हो जाएं और 2 बजे यहाँ पर पहुँचें। इसलिए यहाँ पर इस वक्त कोई ख़ास गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, जो दीगर जो एरियाज हैं, जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं उनके जो अमीर हैं वहीं पर से मुख्तलिफ कायदीन की क़यादत में रैलियाँ यहाँ पर 2 बजे तक पहुँचेगी, जिसके बाद एक मरकजी रैली निकाली जाएगी योम यकजहती कश्मीर के हवाले से और यहीं पिशावर के अंदर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। चलते हैं क्वेटा, जहां पर फरीदुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, कहिएगा, बलूचिस्तान के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अच्छा खासा वोट बैंक है, कहां पर मकाम का इंतखाब किया गया है जहां पर कारकुनान इकट्ठे होंगे और क्वेटा में कौन लीड करेगा इनको? जी बिल्कुल, क्वेटा में जमीयत उलमा इस्लाम की जो आज़ादी मार्च की जो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और तमाम जो काफ़िले हैं वो क्वेटा पहुंचना शुरू हो गए हैं। क्वेटा में 2 जगह एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, एक खेजी चौक पे बनाया गया है जहां मैं मौजूद इस वक्त, यहां इनके कारकुन जो है बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर वो अपनी जो एंट्री वो करवा रहे हैं, जो अपना खर्चा इन्होंने देना है गाड़ियों के लिए वो खर्चा यहाँ जमा कराया जाए। सैकड़ों गाड़ियाँ जो है किराए पर ली गई हैं जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं उन हजरात के लिए, इसके अलावा यूनिट्स वालों ने अपनी गाड़ियाँ हायर की हैं और जो साहब हैसियत हजरात हैं इनके कारकुन हैं अपनी जमीयत के उनके अपनी गाड़ियाँ हैं, तमाम गाड़ियों पर बकायदा स्टिकर लगाया जाएगा, उसके पे नंबर लगाया जाएगा, उसके बाद इनको बकायदा काफिले की सूरत में यहाँ से रवाना करके बलेली की तरफ रवाना किया जाएगा, जहाँ सूबाई अमीर जो है मौलाना अब्दुल वासे इनके साथ होंगे, वहाँ से काफिला जो बनेगा और ये फिर रवाना होगा DG खान के लिए। इस वक्त जो है तमाम झंडे वगैरह पहुँचा देंगे, कारकुनों की जो तादाद है बड़ी सी बड़ी तादाद जो है बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं और जो इनके अपने रजाकार हैं वो बकायदा सिक्योरिटी के इंतजाम कर रहे हैं, हर आने जाने वाले बकायदा नजर रखी जा रही ताकि किसी भी किस्म का भरपूर तैयारियां हैं और कारकुनान यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। क्वेटा से फरीदुल्ला खान, जबकि पिशावर से इमरान बुखारी और कराची से शामिर खान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि JUIF के रहनुमा मौलाना मोहम्मद गयास ने बताया कि मौलाना फजल रहमान की क़यादत में आज़ादी मार्च रात सक्खर में क़याम करेगा, जबकि सक्खर से पंजाब रवानगी पर बिलावल भुट्टो भी साथ होंगे। क़ायद-ए-मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में
آزادی مارچ کا یہ کاروان حق انشاءاللہ سیدھا سکر کی طرف جائے گا. رات کو انشاءاللہ ہمارا ٹھہراؤ اور رات ہمارا قیام سکر میں ہوگا. اللہ نے چاہا کل صبح 10 بجے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں محترم جناب بلاول بٹو صاحب کی قیادت میں ہم صبح روانہ صبح کل سکر سے صبح انشاءاللہ روانہ ہوں گے اور سیدھا جا کر کے ہم پنجاب بارڈر کو کراس کریں گے. اس کے بعد پھر صبح پنجاب پہنچتے آپ حضرات کو الوداع کہیں گے. حکومت اور اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. حکومت آزادی مارچ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی جبکہ اس مارچ کی شرکا ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے. اپوزیشن رہبر کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب. حکومت نے جے یو ایف اے کو H9 میں جلسے کی اجازت دے دی. آزادی مارچ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوتی. کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک نے رہبر کمیٹی کے سربراہ سے رابطہ کیا اور H9 میں جلسہ کرنے کی تجویز دی. اکرم درانی نے فون پر دیگر ممبران سے مشاورت کے بعد H9 میں جلسہ کرنے پر رضامندی ظاہر. مباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ آزادی مارچ کے معاملے پر اپوزیشن کی رہبر کمیٹی سے اچھے ماحول میں مذاکرات ہوئے اور تحریری طور پر معاہدہ طے پا گیا. حکومت احتجاج کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی جبکہ جے یو آئی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرائے گی. خوشی کی خبر ہے کہ ہمارے دونوں میں ایک ایگریمنٹ طے پا گیا. جو ایریا ہم ان کے لیے الاٹ کریں گے اسی کے اندر رہیں گے. حکومت راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی اور مجھے یقین ہے کہ جمعیت العلماء اسلام آئین کے دائرے میں رہ کر اور قانون کے دائرے رہ کر اپنا پروگرام چلائے گی. ایڈمنسٹریشن اور ان کا ریٹن ایگریمنٹ ہو چکا ہے. پرویز خٹک نے کہا کہ اکرم درانی نے یقین دلایا ہے کہ وہ ریڈ زون یا ڈی چوک نہیں جائیں گے. جلسہ یا دھرنا H9 اتوار بازار کے ساتھ ملحقہ گراؤنڈ میں ہوگا.